में 21 जुलाई तक मानसून सामान्य से 1% कम रहा है और अगर फोरकास्ट देखें तो 27 जुलाई तक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट यहां पर किया गया है। हमारे साथ स्काईमेट के मेट्रोलॉजी के एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा नमस्कार। जुलाई अभी तक 7% सरप्लस है, सो जो पिछले महीने का डेफिसिट था वो काफी हद तक हमने यहाँ पर कम्प्लीट होता हुआ देखा है, आपने इसका मेंशन भी किया था। अब जो बाकी का जुलाई है और एंट्री इन टू ऑगस्ट है, क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? धन्यवाद मनीषा। वर्षा अच्छी हुई है अभी तक जुलाई में, बहुत अच्छी बरसात है। आपने एक बार पूछा भी था तो मैंने कहा था शायद 3% ज्यादा होनी चाहिए सामान्य से जुलाई में, हालांकि फोकस में हमने 5% दिया हुआ है, तो उसके आसपास ही होनी चाहिए। अच्छी वर्षा हुई है, हालांकि कोई देश के कुछ भागों में क्योंकि बहुत भारी वर्षा हुई है और विशेषकर ये कोंकण तट को लेके और कोस्टल कर्नाटका या गुजरात को लेके, पिछले एक सप्ताह की बात करें तो नॉर्मल वर्षा 67 मिलीमीटर है, एक्चुअली 69 मिलीमीटर हुई है, 67 एंड 69। पर क्योंकि कुछ भागों में बहुत ज्यादा वर्षा हुई है इसलिए ऐसा लग रहा है कि मानसून बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, हालांकि देश के काफी भाग ऐसे भी है। हम हमेशा आंकड़ों पर ज्यादा जोर देते हैं, जी की बात है कि 1% कम है, 7.4 जो है प्रतिशत जुलाई में ज्यादा हुई है, लेकिन जो देश के पूर्वी भाग अभी भी आज के दिन में देखिए झारखंड 50% कम है, वेस्ट बंगाल अभी भी 45% कम है, बिहार की बात करें 30%, पंजाब हरियाणा दिल्ली की बात करें इतनी ही कमी इस साइड में है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पर कुल मिला के अगर देखें तो हाँ मानसून को मानसून जोन जो कहते हैं देश के मध्यवर्ती भाग, वर्षा उनमें अच्छी हुई है, महाराष्ट्र की बात करें या इवन मध्य प्रदेश की बात करें, देश के दक्षिणी भागों में तो अच्छी बरसात हुई है। आने वाले दिनों में देखिए जो जो ये अच्छा वाला जो एक्टिव मानसून कंडीशन है, मैं तो कह रहा हूँ लगभग 3 दिन तक और चलना चाहिए ऐसा, 25 तारीख के बाद से वर्षा एक बार फिर से सामान्य सी हो जाएगी, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अगस्त के शुरू में ही हमें शायद ब्रेक इन मानसून कंडीशन देखने को ना मिल जाए, लग रहा है ऐसा। हालांकि अभी इतनी जल्दी कहना बहुत शायद इट विल बी टू अर्ली, पर स्थिति ऐसी बन रही है, पर वो भी कोई असामान्य सी बात नहीं है, अगस्त के महीने में ब्रेक मानसून होता है, इनवेरिएबली वो फर्स्ट हाफ में ही आता है, और इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है कि शायद उन दिनों अगस्त जो है वो सामान्य से हालांकि कम रहे, ऐसी मेरी मेरा अनुमान है और हम मैंने अपनी फोरकास्ट में दिया भी हुआ है। तो ब्रेक मानसून कंडीशंस में मानसून बाकी देश के बाकी काफी सारे भागों में कमजोर पड़ जाता है और केवल केवल तराई वाले क्षेत्र जो हैं उनमें बरसात ज्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम और अरुणाचल में, ऐसी स्थिति कुछ मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। जी जी ओके, मनीष। मिस्टर शर्मा, जैसे आप कह रहे हैं कि जुलाई में 3 से 5% अबव नॉर्मल और अगस्त में जो बिलो नॉर्मल हम देख रहे हैं, तो ये किस हिसाब से रह सकता है? देखिए हमने जितना जितना जुलाई का ज्यादा है उसमें मैंने हमने अपनी फोरकास्ट में अगस्त में लगभग 5-6% की कमी दिखाई हुई है उसमें, और अगस्त देखिए जुलाई का रेनफॉल वैसे भी क्योंकि रेनियस मंथ है, 285 मिलीमीटर बारिश वो जी बहुत है, अभी भी आज के दिन की बात करें तो अगले बचे हुए 9 दिनों में हमें 100 मिलीमीटर वर्षा चाहिए जुलाई में नॉर्मल कैचअप करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, कम नहीं है। इसलिए इसलिए जैसे आने वाले दिनों में 25 तारीख के बाद से अगर वर्षा कम होगी तो रोज के दिन 9-10 मिलीमीटर बारिश होना मेरे ख्याल में संभव नहीं हो पाएगा, कुछ कमी जरूर आएगी उस वक्त, और अगस्त का महीना जुलाई से थोड़ा कम जरूर रहता है, लेकिन फिर भी कोर मानसून मंथ जुलाई और अगस्त ही है, और अगस्त में अगर ब्रेक मानसून के चलते कुछ कमी आ जाएगी 5% तक की, तो वो भी एक सामान्य सी बात रहेगी। जी फेयर पॉइंट दैट। अब यहाँ पर बुआई के नंबर्स भी देखें, मिस्टर एमजे खान हमारे साथ हैं। मिस्टर खान, 3% ज़्यादा बुआई है पिछले साल के कंपैरिजन में, और जैसे मिस्टर शर्मा बता रहे हैं कि जुलाई के बाद एक ब्रेक अगस्त में देखने को मिल सकता है जो एक्सपेक्टेड है, जो फसलों के लिए शायद बेहतर भी होता है, आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल नंबर्स? देखिए दो चीजों से बुआई प्रभावित होती है, एक तो रेन से बारिश कैसी है, दूसरा प्राइसेस कैसे हैं। तो जो ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है इसका मतलब बारिश का पैटर्न बेहतर है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स, लेकिन कभी भी यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता है और होगा भी नहीं, लेकिन चूंकि 3-4 जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी बुआई अच्छी हुई है, उसमें शुगर केन भी है, राइस भी है, पल्सर तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ऑयल सीड भी बेहतर किया है, तो मुझे लग रहा है कि बारिश एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन जो है इट इज डिलीवरिंग गुड। शुगर केन का थोड़ा नंबर में देख रहा था कम है, जबकि शुगर प्राइसेस भी अच्छे रहे हैं, तो
मुझे लगता है खरीफ का इस साल जो टारगेट है वो गवर्नमेंट का एक्सीड होना चाहिए एंड उसकी शुरुआत अच्छी सोइंग के जो रिकॉर्ड्स सामने डेटा आ रहे हैं उससे दिखाई पड़ रही है। जिस तरह के नंबर्स हैं, ऑफकोर्स सरकार इसके बारे में मिस्टर खान बात करती भी रही है कि इस बार वो काफ़ी अच्छी क्रॉप की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि मॉनसून का फोरकास्ट यहाँ पर अच्छा था और अब तक हमने वो नंबर्स ठीक ठाक यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आप अब ऑफकोर्स कल का बजट तो यहाँ पर बन ही चुका होगा, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है, क्या प्रायोरिटीज़ देखने को मिल सकती हैं जैसे जैसे बजट पास आता है? बहुत सारे सेक्टर्स की जो वो 10-12 पॉइंट की लिस्ट होती है वो कम होकर 2-3 पॉइंटर्स रह जाती है क्योंकि वो रियलिटी यहाँ पर सेट इन हो जाती है। दैट्स करेक्ट। देखिए आज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होगा, उससे भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगी कल की प्रायोरिटीज में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इकोनॉमिक सर्वे के जो इंडिकेटर्स हैं डेटा में तो पहले आ जाते हैं, तो बजट में कहने के रिफ्लेक्शन भी होता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 स्टेट्स के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और तीनों जो है वो फार्मर्स डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। देयरफॉर मुझे लगता है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में और जो चैलेंजेस अभी रिसेंट डेज में मंथ्स में रहे हैं, खास करके जो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं, तो कहीं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइसिंग सिस्टम है, जो सप्लाई चेन है, उस सब पे मुझे लगता है कहीं नए सिरे से थ्रस्ट आनी है और उसके साथ साथ R&D पे भी आनी है, क्योंकि दलहनों में कोई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, उसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली इम्पोर्ट डिपेंडेंट, बल्कि इम्पोर्ट का साइज बढ़ता जा रहा है। तो ऑयल सीड एंड पल्सेज इसमें टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू आए, इसलिए R&D पे मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, लेकिन सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन एंड पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर मुझे लगता है नए सिरे से या तो एग्री इंफ्रा फंड या कोई नई स्कीम के साथ पे भी मुझे लगता है इसको स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से सरकार का पॉलिटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है। एक फाइनल चीज़ मिस्टर खान, और वो ये है कि ऑफकोर्स खाने के तेलों पे तो यहाँ पर एक नेशनल मिशन की एक्सपेक्टेशन है ही है, वो है भी, उसके शायद फंड एलोकेशन भी हम यहाँ पर होता हुआ देखें, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स जिनसे बात हुई है, तो कोई कॉटन मिशन की बात कर रहा है, केन मिशन की बातें यहाँ पर हैं, पल्सेस मिशन की बातें हैं, तो सभी सेक्टर्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बड़ी स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यहाँ पर पॉलिसीज निकल के आ पाएंगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि शायद हमें सिर्फ एडिबल ऑयल और पल्सेस में ही वो देखने को मिले। देखिए एग्रीकल्चर में अगर आप लिस्टिंग शुरू करें तो शायद 110 या 112 एरिया निकल के आएंगे, हर एक पे एक मिशन आ जाए तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन इतने सारे मिशन से जरूरत ज्यादा है एक्शन की, और एक्शन जो है उसका पहला पार्ट जो है बजट से शुरू होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो दुनिया में अवेलेबल है जिस भी उस पर है, या जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लर्निंग्स हैं, उसको लाने की जरूरत है, जो स्टार्टअप्स ने नए मॉडल टेक्नोलॉजी सेंट्रिक दिए हैं उन मॉडल्स को स्केल अप करने के लिए गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लिवरेज करने की जरूरत है, बिकॉज स्टार्टअप तो बड़ा स्पेशलाइज मॉडल होते हैं लेकिन लिमिटेड इंटरवेंशन होता है, तो एक ये पार्टनरशिप का जो मोड है इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है इसको काफी हम लोगों ने एम्फसाइज भी किया था वित्त मंत्री जी के साथ मीटिंग में, एंड मिशन से आगे बढ़ के जो एक्शन आने हैं ग्राउंड पे, उसमें फार्मर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग, खास करके जो क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई पड़ रहा है, और डॉक्टर साहब जो बारिश के बारे में बता रहे थे, लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा चैलेंज यही होने जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज से जो पैटर्न चेंज होगा उससे डील करने के लिए कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। सो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज दिस, प्राइसेस मैनेजमेंट इज सेकेंड, ट्रेड और एक्सपोर्ट बढ़े वो थर्ड, और उस सबको बेहतर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो चौथा। तो मुझे लगता है इन प्रायोरिटीज को किसी शब्दों में या किसी प्रोग्राम में या मिशन में मुझे लगता है कल देखने को मिल सकता है। ओह एब्सोल्युटली, और आपने वो 4-5 चीज़ें कही हैं वो बजवर्ड्स भी हैं, और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर वित्त मंत्री और सरकार के समक्ष रखते भी रहे हैं, इन पे एब्सोल्युटली कुछ देखने को मिलेगा। और जैसे कहा गया, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर कुछ ही मिनटों में यहाँ पर टेबल इन किया जाएगा पार्लियामेंट हाउसेज में, तो काफ़ी इंडिकेशन तो शायद यहीं से निकलते हुए भी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिस्टर खान आपका भी, और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन हम लौटेंगे और फोकस यहाँ पर डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।